हेलो दोस्तों, मैं आपको स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द एजुकेशन गंगा में। आज हम बात करेंगे मैथ। मैथ में हमने जो आज का टॉपिक लिया वो आपका है फ्रैक्शन, जिसे आप बोलते हैं भिन्न। ठीक है, आइए देखते हैं। ठीक है, आपका मैथ आज का हमारा टॉपिक है फ्रैक्शन, उसे क्या बोलते हैं हिंदी में, आपका भिन्न बोलते हैं। ठीक है, भिन्न क्या है, जो हम देखते हैं जो संख्याएं x अपॉन y के फॉर्म में लिखी रहती हैं, ठीक है, उन्हें क्या बोला जाता है, फ्रैक्शन बोला जाता है, साधारण भिन्न बोलते हैं आप। x क्या होता है, आपका होता है अंश, y क्या होता है, आपका होता है हर। y क्या बोलते हैं, हर। जो नीचे लिखा है y, ये आपका हर है, x क्या है, आपका अंश है। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ये आपका न्यूमरेटर है, इसे बोलते हैं आपका डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर अंश बटे हर। ठीक है, उदाहरण के लिए आपने देखा 1/2 लिखा है, तो 1 क्या है आपका, 1 है आपका न्यूमरेटर और 2 क्या है आपका, डिनोमिनेटर है। ठीक है, तो आपका क्या है, डिनोमिनेटर है। ठीक है, अब देखिए, तो ये हो गई आपकी साधारण भिन्न, क्या हो गई आपकी साधारण भिन्न हो गई आपकी। ठीक है, ये हो गई आपकी साधारण भिन्न। अब दूसरी क्या होती है आपकी, होती है इसी में दशमलव भिन्न होती है। क्या होती है आपकी, दशमलव भिन्न होती है। दशमलव भिन्न क्या होता है कि जो आप ये भी आपकी सेम x अपॉन y के फॉर्म में होती हैं, बट जो y होता है आपका वो एक नॉर्मल नंबर ना होके वो आपका y इक्वल टू क्या होता है, 10 या 10 की घातों के फॉर्म होता है। जैसे 10 हो गया आपका, 10 का स्क्वायर 100 हो गया, 1000 हो गया आपका, 10 की पावर 3। ठीक है, इस तरीके से होता है। तो ये क्या संख्या बन जाती है, ये आपकी बन जाती है दशमलव भिन्न बन जाती है। जैसे उदाहरण के लिए आपने लिखा है, आपने लिखा 3/10, तो क्या बन गई, 0.3। तो ये क्या हो गई आपकी, ये होगी आपकी दशमलव भिन्न हो गई। देखा ये क्या है, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है, जो आपकी जो भिन्न जो है, जो संख्याएं x अपॉन y के फॉर्म में लिखी रहती हैं। x क्या बोलते हैं आप, अंश बोलते हैं इंग्लिश में, न्यूमरेटर बोलते हैं। y क्या है आपका, हर है इंग्लिश में, आपका क्या है, डिनोमिनेटर कहा जाता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर क्या है आपका, x है, डिनोमिनेटर क्या है आपका, वाई है। जैसे इसकी उदाहरण लेते हैं, संख्या 1/2, एक क्या है आपका अंश है या न्यूमरेटर है, 2 क्या है आपका, ये क्या है, हर है या डिनोमिनेटर है। अब हम देखते हैं, ये तो आपका उदाहरण था एक साधारण भिन्न का, और क्या होती है आपकी, दूसरी होती है आपके दशमलव भिन्न होते हैं, जो जिन्हें x अपॉन y के फॉर्म में लिखा जाता है, बट y जो होता है आपका 10 या 10 की घातों के रूप में होता है। जैसे उदाहरण के लिए आपने 3/10 लिखा, तो 0.3 आ गया। अगर आपने 3/ आपने का लिखा हुआ है 5/5 आपका 100 लिखा हुआ है, तो आप क्या लिख सकते हैं, 0.05। ठीक है, मैं आपको बताता हूं कि भिन्न का जोड़, मैं आपको बताऊंगा भिन्न के जोड़ कैसे करेंगे आप, प्लस कैसे करते हैं, एडिशन ना, भिन्नों का क्या है, एडिशन, एडिशन। और मैं आपको बताऊंगा घटाना, गुणा, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, भाग। ठीक है, ये एडिशन हो गया, ये आपका सब्सट्रैक्शन हो गया, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन देन आपका डिवीजन। ठीक है, अब मैं आपको जो बता रहा हूं उसमें आपका ये जो वाई है, ये क्या है आपका, जब सेम हो तो ऐसे आपका भिन्नों के जोड़ बताता हूं आपको। जैसे उदाहरण के लिए आप देखिए, लिखा हुआ है 1/2 + 3/2 + 9/2 + 11/2 लिखा हुआ है, तो आप इनको कैसे जोड़ेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं जो डिनोमिनेटर है ये आपका सेम है, हम सेम डिनोमिनेटर वाले भिन्न के आपको जोड़, घटाना, गुणा, भाग सब बताएंगे। तो हम पहले देखते हैं जोड़ के बारे में, तो आप इसमें देखिए कि सब में 2 लिखा हुआ है, तो आप ये देख रहे हैं 2 सब में कॉमन है ना, तो आप क्या करेंगे इसमें नीचे 2 लिखेंगे। ठीक है, और ऊपर की जो संख्याएं हैं आपके जो आपके क्या है,
जो आपके न्यूमरेटर है या अंश है इनको आप जोड़ देंगे, 1 + 3 + 9 + 11। अब आप जोड़िए 11 9 20 3 23 1 24 24/2। तो आप देखिए डिवाइड हो जाए क्या, आपने 2 2 + 2 2 2 4 12। ठीक है, इस तरीके से आपका एक दूसरा उदाहरण लेते हैं हम। अगर आपका लिखा हुआ है 1/3 + 5/3 + 9/3 + 11/3, तो आप कैसे कर सकते हैं, सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे, जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है आपका सेम है तो इसको नीचे आप लिख दीजिए, बाकी जो आपके न्यूमरेटर है इनको ऐड कर दीजिए, 1 + 5 + 9 + 11। तो क्या हो गया 11 9 20 5 25 1 26 26/3। ठीक है, अब देखिए एक और उदाहरण देखते हैं, 1/5 + 7/5 + 19/5। अब क्या करेंगे, न्यूमरेटर सेम है आपने 5 लिखा नीचे और 1 + 7 + 19, तो टोटल आपने जोड़ा क्या हो गया 27/5। कैसे, 19 21 27/5 ये आपने लिख दिया, ये हो गया आपका 27/5। अभी मैं और लेते हैं, जैसे हमने लिखा 1/8 + 7/8 + 9/8। अब क्या करेंगे, हमने देखा आपका डिनोमिनेटर सेम है 8 लिख लिया और इन तीनों को जोड़ दीजिए, 1 + 7 + 9 17/8। ठीक है, तो ये हो गए आपके प्लस के, आपने क्या देखा कि आपके डिनोमिनेटर सेम है, तो आपको डिनोमिनेटर को आप नीचे लिखेंगे और ऊपर के जो न्यूमरेटर है उनका अंशों का योग हो जाएगा बटे आप हर को लिख देंगे, तो ये आपका इस तरीके से हो गया। आपने यहाँ भी देखा 3 है, 3 लिख दिया आपने, अंशों को जोड़ दिया गया, 1 5 9 11 26/3 आ गया। सेम चीज सेम है, आपने नीचे लिखा इनको जोड़ दिया ऊपर वालों को, इसमें भी आपने यही काम किया। ठीक है, हम बात करते हैं आपके सब्सट्रैक्शन के बारे में, कब, जब आपका डिनोमिनेटर जो है आपका हर जो है नीचे जो दिया गया आपका हर जो है आपका वो क्या है, जब सेम हो, जो आपका डिनोमिनेटर होता है वो क्या है, सेम हो। ठीक है, ठीक, हम बात करेंगे सब्सट्रैक्शन की, तो आपने लिखा जैसे कि दिया हुआ है आपका 15/7 - 13/7, तो आप कैसे करेंगे, जब आपका डिनोमिनेटर सेम हो तो आप इसको नीचे लिखेंगे और जैसे आप प्लस में करते थे तो उसी चिन्ह की तरह इसको करेंगे, तो 15 - 13 15 - 13 = 2/7। एक और लेते हैं, जैसे लिखा हुआ है आपका 3/9 - 2/9, आप इसको कैसे करेंगे, जो सेम है आपका डिनोमिनेटर नीचे लिखा आपने 3 - 2 कर दिया, 1/9 आ गया आपका। एक और देखते हैं, जिसे लिखा हुआ आपका 41/225 - 17/225, तो इसे क्या करेंगे, चूंकि सेम है आप नीचे करिए 225 लिख दीजिए, ठीक है, और 41 - 17 कर दीजिए, कितना हो जाएगा 17 4 21 20 41 = 24 24/225। ठीक है, तो हम देखते हैं कुछ और चीज, जैसे आपने लिखा 19/17 - 8/17 लिखा हुआ है, तो आप कैसे करेंगे, क्योंकि 17 डिनोमिनेटर आपका सेम है 17 17 दोनों में, तो आपने क्या लिखती है 17 19 - 8 11/17। जैसे एक और ले लीजिए आप 21/41 - 27/41, कैसे होगा, सेम प्रोसेस, 41 लिखा आपने, 21 - 27 है तो 21 - 27 कर दीजिए आप, तो कितना होगा 4 4/41। अब हम बात करेंगे कुछ मल्टीप्लिकेशन की, तो मल्टीप्लिकेशन में क्या करना है आपको, जैसे दिया गया है 2/5 का आपको गुणा करना है 3/5 के साथ, तो इसमें आप सोच रहे होंगे कि हम ये 5 कॉमन ले के गुणा करेंगे, ऐसा नहीं है, इसमें आपको सीधा होता है कि ऊपर का आपका अंश का गुणा अलग होगा
ठीक है, अंश जो है अंशों का गुणा होगा आपका ऊपर, और बटे में आपका हर का भी गुणा होगा, हर का भी गुणा होगा जो हर दिए हुए हैं। तो ये क्या हो गया, दो गुणे तीन बटे पांच इंटू पांच, दो तिहाई छह बटे पच्चीस हो गया आपका। ठीक है, ये आप इसको याद रखिएगा। जैसे आप लेते हैं सात बटे नौ गुणे चौदह बटे नौ, ठीक है, तो सात इंटू चौदह बटे नौ इंटू नौ, चौदह सत्ते क्या होता है आपका 47 जा 98, नौ नौ 81। आप लेते हैं तीन बटे छ इंटू चार बटे छः, इनका गुणा क्या करेंगे आप, सेम है छ इंटू छः का गुणा हो जाएगा आपका, हर का गुणा अलग हो जाएगा और अंश का गुणा अलग हो जाएगा। तीन चौक 12 बटे 36, ठीक है। अभी हम इसको सिंपलीफाई नहीं कर रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, सिर्फ गुणा करना बता रहे हैं। ठीक, जैसे आपने लिखा पाँच बटे सात गुणे नौ बटे सात, तो सेम फॉर्मूला लिखा हुआ, अंशों का गुणा बटे हरों का गुणा, तो पाँच गुणे नौ बटे सात गुणे सात, नौ बचे 45, 45 सात सत्ते 49। ठीक है, एक और देख लेते हैं, जैसे लिखा हुआ आपका छः बटे 13 गुणे 12 बटे 13, तो हमने क्या किया 13 इंटू 13 कर दिया और 6 इंटू 12 कर दिया, 12 से क्या होगा आपका 72 हो गया। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, ठीक है। अब हम बात करेंगे डिवीजन की, ठीक है, जैसे लिखा हुआ है आपका 3 बटे 5, इसको आपको डिवाइड करना है कितने से, 2 बटे 5 से, ठीक है, इसे करना है आपको 2 बटे 5 से करना है, ये आपका डिवाइड। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसको 3 बटे 5 ऑब्लिक हो गया आपका 2 बटे 5, तो आप इसको जान लीजिए कि ये जो संख्या होती है जो नीचे का होता है आपका, ये संख्या आपकी पूरी पलट जाती है, तो 3 बटे 5 और क्या हो गया आपका 5 बटे 2 हो गया, तो 5 5 चूंकि आपके बराबर है तो आगे कट जाएगा, तो एक ही काट गया 3 बटे 1 और 1 बटे 2, तो 3 बटे 2 आ गया। अगर आप नहीं काटना चाहते हैं इस तरीके सिंपली समझिए, अगर इसको नहीं काटते हैं आप, तो क्या हो गया आपका 3 बटे 5 इंटू 5 बटे 2 हो गया आपका, तो 3 बटे 15 15 बटे 10 लिख दीजिए आप। ठीक है, ठीक है, या हम चाहें तो इसको एक और मेथड है आपका, जैसे लिखा हुआ है 3 बटे 5 तो और इस चीज़ जो आपका, तो इसको क्या करिए आप, जो डिवाइड है इसकी जगह आप गुणे का चिन्ह लगाइए मल्टीप्लाई का, और इसको पलट दीजिए 5 बटे 2 कर दीजिए। ठीक है, 3 बटे 15 गुणा आपको आ गया है, आप जो है अंश का जो है गुणा अलग कर लेंगे, अंशों का गुणा कर लीजिए और हरों का गुणा कर दीजिए, हरों का गुणा कर दीजिए आप। ठीक है, तो आपने कर लिया 3 इंटू 5 5 इंटू 2, 3 बजे 15 बटे 10। अभी हम जो है सिंप्लीफाई नहीं कर रहे हैं, एक और देखिए आप, जैसे लिखा हुआ है आपका 3 बटे 7 डिवाइड करना है आपको, आपको डिवाइड करना है 4 बटे 7 से, तो जैसे आपने देखा या आप जो मैंने आपको बताया कि इसको क्या कर सकते हैं आप, डिवाइड का जो चिन्ह है इसको आप चेंज करके मल्टीप्लाई के चिन्ह करिए, साइन कर दीजिए, तो आप क्या होगा 3 बटे 7 ये हो जाएगा आपका डिवाइड का क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये जो वो है संख्या आपकी क्या है इसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा, न्यूमरेटर आपका डिनोमिनेटर बन जाएगा, तो इसको आपने पलट दिया 7 बटे 4 कर दिया। अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहते तो करिए, नहीं तो जब आप देखिए गुणा करके लिख दीजिए 3 सत्ते 21 4 सत्ते 28। ठीक है, एक और देखते हैं, आप लोग का लिखा हुआ है 3 बटे 2 इसको भाग देना आपको और देना 4 बटे 2 से। ठीक है, तो हमने क्या किया सेम चीज अप्लाई की 3 बटे 2 और इसको आपने चेंज इसको साइन चेंज किया मल्टीप्लाई किया इसको उल्टा कर देंगे 2 बटे 4 कर देंगे। ठीक है, 3 दूनी 6 4 दूनी 8। ठीक,
तो इस तरीके से हम देख रहे हैं बेसिक मैथ के बारे में। क्या है आपका कि मैथ के कुछ बेसिक्स हैं, ठीक है। मैथ क्या है आपके बेसिक्स हैं, ठीक है। तो आपने देखा कि हमने आपको बताया आपको जोड़ घटाना गुणा भाग एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ठीक है। कब, जब आपके ये क्या है आपका ये आपका है हर या डिनोमिनेटर, ओके डिनोमिनेटर, ये जब आपका सेम हो, जब आपका ये सेम है, ठीक है। अब अगले पार्ट में बात करेंगे जब ये डिफरेंट हो, ठीक है। तो इसी अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।